पल्लू क्षेत्र से हरी लकड़ियां काटकर अवैध परिवहन करते दो पिकअप गाड़ियों को क्षेत्रीय वन अधिकारी रावत सर रणवीर मिल की टीम ने जब्त किया है। वन विभाग की टीम ने आज अल सुबह पल्लू से नौहर हाईवे सड़क पर न्योल के बाईपास के पास है पल्लू की तरफ से आई दो पिकअप गाड़ियों में हरी लकड़ियां परिवहन करते सामने आने पर रुकाकर जब जांच की तो कोई उचित दस्तावेज नहीं मिलने पर दोनों गाड़ियों को सीज कर चालक है सोहनलाल पुत्र चुन्नीराम नायक तहसील पल्लू व राकेश पुत्र महावीर जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पकड़ी गई इन गाड़ियों में राज्य वृक्ष खेजड़ी की लकड़ियां भरी हुई है। आपको बता दें यहां पर क्षेत्रीय वन अधिकारी रावत सर द्वारा कार्रवाई करते हुए दो पिकअप गाड़ियों में अवैध रूप से हरी लकड़ियां परिवहन करते हुए पकड़ा गया। श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी राव सर के आदेशानुसार स्वयं साथ में रहते हुए गश्त के दौरान अवैध लकड़ियों से दो पिकअप पकड़ी गई है जिसके अंदर गीली लकड़ियां भरी हुई थी जिसमें राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 41(42) के तहत कार्रवाई की गई है। ड्राइवर से पूछताछ करने पर उसके पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज या पार पत्र संबंधित कोई दस्तावेज नहीं पाए गए नहीं उन्होंने संतोषजनक जवाब दिया।